नेहा शिवनपुराना, जिग्नेश की सिस्टर। जिग्नेश के बारे में बताने के लिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। जिग्नेश के बारे में बस यही बताना चाहती हूँ कि वो है तो मेरा छोटा भाई, पर काम मुझसे काफी बड़े बड़े कर रहा है और काफी अच्छे काम कर रहा है। उसने जो ये वाटिका चालू करने का निर्णय लिया था 10 साल पहले, बहुत ही कम उम्र में जो उसने बड़ा कदम उठाया था, वो बहुत ही अच्छा काम उसने किया है, जिसके वजह से इतने बच्चों को अपने जैन धर्म के प्रति इतनी लगाव हो रही है, जो धीरे धीरे आजकल बच्चों में कम होती जा रही है। पर ये संस्कार वाटिका बोलो या पाठशाला बोलो, इन सब की वजह से कुछ बच्चे एटलीस्ट उससे कनेक्टेड है, जो अपने धर्म की नॉलेज उनको अच्छे से मिलनी चाहिए, जिससे वो अटैच हो गए। और एक बच्चा अगर अच्छे से उसमें वो संस्कार आ गए, तो भले उनके माता पिता में इतने नहीं हो, तो भी वो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, बच्चा कर रहा है तो हमें भी करना है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसने भी काफी कम उम्र में ही इतना बड़ा कदम उठाया और इतना सारा सब खोले हैं, अलग अलग ब्रांचेस में भी उसने उतना इनिशिएटिव लिया, और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो भी उतना वक्त निकाल रहे हैं। आजकल किसी के पास अपने काम के अलावा कोई वक्त नहीं होता है, पर इन सब चीजों को दिखने में बड़ी चोटी लगती है कि बस एक दिन का क्लास है, इतना ही है, पर उसके पीछे के एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर एक टीचर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हर एक बच्चे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, संस्कार वाटिका आ रहे हैं, उनके पीछे उनके पेरेंट्स, हर एक का इसमें बहुत अच्छा योगदान है, जिसके वजह से काफी जन जैनिज्म से रिलेटेड एजुकेटेड हो रहे हैं। उसके अलावा मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जिग्नेश बेस्ट ऑफ लक, तेरे साथ हमेशा ही मैं रहूंगी, भले मैं वहां हूँ या नहीं हूँ, पर मेरे जो भी अच्छे थॉट्स, अच्छे ब्लेसिंग्स तेरे लिए है, वो हमेशा ही रहेंगे। तो कभी भी मन छोटा मत करना कि मैं कभी आसपास हूँ नहीं या मम्मा नहीं है अपने आजू बाजू, मम्मा के ब्लेसिंग्स भी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तो कभी उस चीज का ये मत करना। और मम्मी हमेशा से ही चाहती थी कि ऐसा कुछ करे जिससे, क्योंकि वो भी खुद धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा था उनको भी, जो मैं तो इतना नहीं कर पा रही हूँ, पर एटलीस्ट तू कर पा रहा है। तो हम बेस्ट ऑफ लक टू यू, होप यू डू वेरी वेरी मच वेल, और इसमें तुझे बहुत सक्सेस मिले। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, भेजिए अपने लाल को संस्कार वाटिका में, ज्ञानी वो बन जाएंगे, पूजे की दुनिया सारी इतने काबिल वो बन जाएंगे। जय जिनेन्द्र। प्रणाम, मेरा नाम जीतल गांधी है, रचना अजय उदानी मेरे भाभी है। रचना जी काफ़ी सालों से संस्कार वाटिका से जुड़े हैं, एज अ टीचर सेवा दे रहे हैं। रचना जी बच्चों के साथ बच्चे बनकर उन्हें गाथाएं खेल खेल में सिखा देते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता। और संस्कार वाटिका का और रचना जी का ग्रोथ हमने बहुत अच्छा देखा है एक साथ। संस्कार वाटिका को खूब खूब अभिनंदन कि आज के यूथ को नए संस्कार, जैनिज्म और संस्कार के बारे में जानकारी देने के लिए, और ऐसे ही संस्कार वाटिका आगे बढ़ती रहे, आज के यूथ को नया और सही रास्ता दिखाती रहे, इस बात के लिए हम खूब खूब अभिनंदन संस्कार वाटिका को, आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। प्रणाम। प्रणाम। सिद्धि ने जब से वाटिका ज्वाइन की है तब से वो ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होती है। उसका रीजन बताना हो तो एक ही रीजन है कि जैसे हर एक आदमी को एक काम ऐसा होता है जो करके उसको बहुत आनंद आता है, जैसे किसी को मोबाइल देख के, किसी को सामायिक करके, ऐसे सिद्धि को जिन शासन की सेवा करने से बहुत आनंद आता है और वाटिका में काम करने से उसको पल पल जिन शासन की सेवा करने का मौका मिलता है, वो बहुत जीत शासन की सेवा के काम करती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देना हो तो लास्ट टाइम लॉकडाउन में वाटिका ने 3 महीने में पंच प्रतिकरण कराने की कंपटीशन का आयोजन किया था। उस कंपटीशन में सिद्धि ने 2 बच्चे लिए थे और खुद हमारे बच्चे तीनों को बहुत अच्छी तैयारी करवा के तीनों का 3 महीने में पंच प्रतिक्रमण पूरा करवाया था, जो बहुत ही अद्भुत बात है।
तो इसके लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ सीपी एंड ये मौके के ऊपर मैं वाटिका के पूरे परिवार का और हिंदेश भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिन अगर बिल्कुल बुरा हो तो मैं इच्छा मुख प्रणाम, मैं सिद्धि टीचर का बेटा बोल रहा हूँ। मुझे मेरी मम्मी बहुत पसंद है क्योंकि वो संस्कार वाटिका का भी काम संभालती है, घर का भी काम संभालती है और मुझे मुझे बहुत पसंद है मेरी माँ क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ध्यान रखती है और मुझे हर एक चीज दिलवाती है। शुक्रिया माँ। राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना लिया गया ज्ञान अधूरा होता है। ज्ञान वाटिका ने मेरी बेटी सती को सब कुछ दिया है। उसमें जिन शासन की सेवा कैसे करूं ये भावना है। 6 साल पहले गुजरात से चिंचोड़ आई थी तभी बोली थी कि पापा जिन्होंने संस्कार वाटिका की स्थापना और शुरुआत करवाई ऐसे परम जो गुरु भगवान का विश्व कल्याण पूज्य जी महाराज साहब को मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ और सभी जैन भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरी बेटी सोनल जैन को यह धर्म कार्य में आगे बढ़ रही है और उसका पुण्य मेरे हमेशा जिग्नेदी जैन को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कार वाटिका और धर्म के कार्य करने के लिए सोनल को बहुत साथ दिया। धर्म का कार्य करना कोई छोटी सी बात नहीं है। एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो पापानुबंध पाप बन जाता है। इसलिए आज की पीढ़ी को बहुत जैना पूर्वक यह कार्य करना पड़ता है। इन दोनों को इस कार्य में आगे बढ़ते हुए मुझे भी यह लग रहा है कि मैं भी जिन शासन के लिए कुछ कार्य और काम कर सकूं। ये 2 शब्द बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी गुरु भगवंतों को मेरा प्रणाम। श्री ज्ञान संसार वाटिका चिंचोड़ जिसे 10 साल पूरे हुए हैं, इसके लिए मैं इनका अभिवादन करता हूँ। मेरी धर्म पत्नी पिंकी कमलेश बापना जो आज निरंतर 8 सालों से वाटिका में पढ़ाने जा रही है। जब से मेरी पत्नी ने वाटिका ज्वाइन किया है तब से हमारे धर्म के प्रति उत्साह बढ़ने लगा है। इसी के चलते मेरी लड़की ने आज कंदमूल का भी त्याग किया है। मेरा लड़का आज 3 सालों से वाटिका में पढ़ने जा रहा है और इसके चलते इसकी भक्ति में भी रुचि बहुत बढ़ने लगी है। आज हमारे कालीवाड़ी में भी मेरी पत्नी पाठशाला चला रही है। वाटिका के चलते मेरे बच्चे ने आज अतिचार भी कम्प्लीट किया है, जिसके लिए मैं सभी वाटिका के टीचरों को बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह वाटिका शासन के प्रति धर्म जगाते रहे और धार्मिक कार्य में आगे बढ़ता रहे और हमारे बच्चों में ज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ाते रहे। जिन शासन जय महावीर। जय जिनेन्द्र। मैं अशोक शाह प्रेरणा का हुआ हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं सुजाता शाह प्रेरणा की फई हूँ। जिग्नेश भाई ने 10 साल पहले वाटिका शुरू की। संस्कार वाटिका शुरू करने के पहले उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने जो बच्चे हैं वो धार्मिक बने तो संस्कारित हो। ये धार्मिक ये वाटिका धीरे धीरे बढ़ के वृक्ष समान इतनी बड़ी हो गई है। आज 10 साल पूरे हो गए। कामसेत से पंकज भाई के दोनों बच्चे प्रज्वल और प्रांजल इन्होंने ये वाटिका ज्वाइन कर दी। हर शनिवार रविवार वो कामसेत से चिंचवड़ वाटिका के लिए आते। प्रेरणा ने उसके नाम की तरह ही सबको प्रेरणा देके सबको उत्साहित किया हुआ है। ये हमारे और धार्मिक वातावरण में अमूलाग्र बदल किया हुआ है। बच्चों ने अच्छा धार्मिक अभ्यास करके अपना नाम वाटिका में रोशन कर दिया है। बच्चों से प्रेरित होकर सो प्रेरणा ने भी धार्मिक अभ्यास शुरू किया। अपना धार्मिक अभ्यास करते करते उसने अपना धार्मिक ज्ञान सबको काम में आवे इसलिए
टीचर करके वाटिका में ज्वाइन किया। कामसेट से ट्रेन से अप डाउन करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए प्रेरणा ने बहुत सारा कष्ट उठाया है। और उसके घर में तो वातावरण थे, उसके सासू जी भी धार्मिक है, ससुर जी भी धार्मिक है, लेकिन प्रेरणा ने घर में वातावरण इतना बदली कर दिया है संस्कार वाटिका के कारण। उसने घर में पूरा वातावरण धार्मिक कर दिया है, जैसे कि कंदमूल का त्याग किया है, पंकज कुमार भी विहार ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, और साधु साध्वी जी के व्यायावचि बहुत अच्छी तरह से करती हैं, और बच्चों को भी धार्मिक छोटे उम्र में पंच प्रतिक्रमण करवा के छोटे उम्र में उनको उपध्यान भी करवाया है। दोनों बच्चों का उपध्यान भी हो गया है छोटी छोटी उम्र में। उन्होंने संस्कार वाटिका में अच्छी तरह से तरक्की पाई हुई है, और पंकज कुमार भी चुहार करने लगे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। संस्कार वाटिका ने न सिर्फ बच्चों में ही संस्कार धार्मिक संस्कार डाले है, पर बड़ों में ही उसका असर हुआ है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बद्रेश जय कुमार शाह, सातारा। सबसे पहले मैं हमारी भाभी सौ प्रेरणा पंकज शाह कामसेट निवासी, इनको मैं तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। इस कलयुग में हम अपने बच्चों को क्या दे सकते, वो धन नहीं, वो संस्कार है। यही एक चीज है जो अपन अपनी अगले पीढ़ियों को दे सकते हैं। इसीलिए अभी छोटे छोटे गांव और शहरों में संस्कार वाटिका शुरू है, तभी आप सभी अपने बच्चों को ऐसी वाटिका में भेजिए जिससे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बहुत जगह पे संस्कार वाटिका बंद थी, लेकिन ये जो संस्कार वाटिका ग्रुप है, इन्होंने सब ये संस्कार वाटिका के शिविर है या रोज के सेशन है वो ऑनलाइन लिए और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए। इस वाटिका के माध्यम से इन्होंने अपने धर्म के सर्व संस्कार अपने बच्चों को दिए। अगर हम सोचे तो एक ये अमूल्य उपहार है जिसका कोई वैल्यू पैसे में नहीं हो सकता है। गुरु ऐसी एक चीज है कि जो लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखती है। अपन ने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात तपर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसी चीज है जो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदल कर सकती है। हमारी सब प्रेरणा भाभी इस वाटिका से जुड़ी, उन्होंने इनसे सब मिलजुल के रहे और इन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए, इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने समाज के भी बच्चों को पढ़ाने का संकल्प किया, ये बहुत अच्छा संकल्प है। ये नान बांटने का जो काम है, जो दिए से दिया लगाने जैसा काम है, इसमें वो सब अपने एक परिवार के साथ इकट्ठे रहे और समाज को धार्मिक शिक्षा दी। इस संस्कार ज्ञान महोत्सव का ये महोत्सव शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देते थे। आने वाले सभी प्रोग्रामों के लिए हम उनको अनुमोदना करते हैं। यही अच्छे अच्छे आप काम कीजिए और अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको एक अच्छा श्रावक बनाइए। यही मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और इस सभी परिवार को, परिवार से जुड़े हुए संस्कार वाटिका के सभी परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं खूब खूब आभारी हूँ कि ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, मैं वैशाली संतोष वखारिया बारसी डिस्ट्रिक्ट सोलापुर से हूँ। मैं ज्ञान संस्कार वाटिका के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। ज्ञान का देकर जिसने भंडार, ज्ञान का देकर जिसने भंडार किया भविष्य के लिए तैयार। मानते हैं आभार हम सब गुरुजनों का, जिन्होंने जिंदगी को दिया नया आकार, जिन्होंने जिंदगी को नया दिया आकार। ऐसे ज्ञान संस्कार वाटिका जो 10 साल पूरे कर रही है, उनको बहुत बहुत अनुमोदना। आप जो कार्य कर रहे हैं ज्ञान संस्कार वाटिका जो कार्य कर रही है, जब आगे की पीढ़ी को धार्मिक संस्कार के और आगे बढ़ा रही है, उनमें धार्मिकता के बीज बो रही है, उसके लिए आपकी जितने अनुमोदना करे उतनी कम है। आप तहे दिल से मतलब बहुत बहुत मन से ये कार्य कर रहे हो, ऐसे ही आप कार्य करते रहो। और आपका जो अभी संस्कार ज्ञानोत्सव चल रहा है, इतना बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, इतने अच्छे तरह से उसको किया है और इतने बढ़िया स्वरूप में किया है, तो उसके लिए भी आपके बहुत 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 अनुमोदना।
ऐसे ही आप धार्मिक धर्म के और बढ़ते रहो, शासन की सेवा में ऐसे ही बढ़ते रहो, शासन का कार्य करते रहो, यही अनुरोध। और मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें मेरी छोटी बहन प्रेरणा पंकज शाह जो कामशेर से है, वो ये ज्ञान संस्कार वाटिका में गए 5 साल से जुड़ी है, उसके लिए हमें बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि पहले तो हम इतने धार्मिक, मतलब थोड़ा थोड़ा था लेकिन इतना धार्मिक संस्कार नहीं था, लेकिन अभी जब से ज्ञान संस्कार वाटिका में जुड़ी है तब से खुद में भी और उसके बच्चों में भी इतना उसने अच्छे संस्कार डाले और खुद भी इतनी धार्मिकता की ओर बढ़ रही है, और बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, धर्म के संस्कार दे रही है, शासन के काम आ रही है, इसलिए बहुत प्राउड फील होता है। वो भी ऐसे ही धार्मिक कार्य में, शासन के कार्य में आगे बढ़े, इसमें आगे अपना नाम करे, यही हम लोग, मतलब हम चाहते हैं। और बहुत बहुत उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। और पुनः से एक बार ज्ञान संस्कार वाटिका के सभी मेंबर्स की बहुत बहुत दिल से अनुमोदना, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो धार्मिक कार्य में, यही हम चाहते हैं और यही हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। जय महावीर। जय जिनेन्द्र। मैं भाग्यश्री गिरीश वखारिया, मैं 22 साल थाना में रहती थी, अभी मैं जस्ट ही पुणे शिफ्ट हुई हूँ। और मैं आज संस्कार वाटिका के बारे में भी बात करूँगी। बहुत उन्होंने अच्छा काम चालू किया है, उसको 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत सारी उनको शुभकामनाएं और बहुत सारी अनुमोदना करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य हाथ में लिया है, बच्चों को संस्कार देना, धर्म की ओर उनका प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाना, बहुत ही अच्छा काम किया है। उसको 10 साल पूरे हुए रहे, इसलिए वो ज्ञानोत्सव प्रोग्राम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आगे बढ़े यही हमारी दिल से शुभकामना है। और प्रेरणा जो है वो मेरी सिस्टर है, हम उसको वैशाली बुलाते। बहुत ही उसके बारे में क्या बताऊँ, उस वो जो पहली थी और अभी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले तो धर्म की आराधना करती थी, लेकिन जैसे ही वो ये इसमें जुड़ी है, ये ज्ञानोत्सव या संस्कार वाटिका में जुड़ी है, वहाँ से काम से चिंचवड़ आना बच्चों को लेके, हर सैटरडे संडे उनको संस्कार वाटिका के थ्रू से धर्म की आराधना करवाना, धर्म का शिक्षण देना, बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों में, उसके पूरे फैमिली में इतना बदलाव दिख रहा है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि ये मेरी बहन है वैशाली, जो हमारी सिस्टर है, कि इतना उसके उसमें इतना बदलाव आया है बच्चों के इसमें, और उसने बहुत अच्छा काम एक हाथ में लिया कि उसने खुद अभी उसमें सिखाना ये काम भी स्टार्ट किया है। बहुत ही तहे दिल से मैं संस्कार वाटिका और वैशाली दोनों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है। खुद के बच्चों को तो संस्कार देना हो जाता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को भी यही संस्कार देना, उनको भी धर्म की ओर चलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं एक ही बात कहूँगी, बड़े बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारे मोल। सच में ये सेंटेंस है कि कितना आपका दोनों का, यानी संस्कार वाटिका भी और वैशाली का भी, दोनों का जितना या प्रेरणा का जितना भी हम गुणगान गाए कम है, बहुत अच्छा काम कर रहे। धन्यवाद।